ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, ये मेरी कामना। ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, ये मेरी कामना। देखिए, किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं, और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी, केवल कल या दो दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1,200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा एक साल 2015 का, केवल एक साल का 1,200 करोड़ रुपया था। इस बार भी कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन किसान के नुकसान को हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मतलब जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीजन पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। ठीक बात है, मैं इस पर ध्यान हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जैसी पहले की परिस्थितियाँ वैसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह पर इस पर नजर रखे और उसको हम हर तरीके से कंट्रोल करेंगे।